हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हर हर महादेव किचन में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपके साथ मटर पनीर की रेसिपी शेयर करेंगे। मटर पनीर की रेसिपी बनाने की सारी सामग्री हमने रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं कि हमने 250 ग्राम पनीर को कट करके ले लिया है। 2 से 3 कटे हुए प्याज लिए हैं। हमने 2 बड़े कटे हुए टमाटर को लिया है। थोड़ा सा मटर लिए हैं, हरा मटर। और हमने तड़का देने के लिए तेजपत्ता, दालचीनी, 1 लाल मिर्च और हमने 1 चम्मच जीरा लिया है। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया लिए हैं। हमने ये मसाला का पेस्ट लिया है। मसाले के पेस्ट में हमने हरा मिर्च, अदरक, लहसुन और हमने साबुत खड़ा मसाला का पेस्ट बनाकर ले लिए हैं। हम इन्हीं सब सामग्री को मिक्स करके अपना मटर पनीर की स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने अपने गैस पे कढ़िया चढ़ा दिया है। हमारा कढ़िया हो गया है गर्म। अब हम इसमें अपना सरसों का ऑयल ऐड करेंगे। 2 से 4 चम्मच ऐड करेंगे ऑयल हम। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल हो गया है गर्म। अब हम इसमें तड़का देंगे। तड़का देने के लिए हम सबसे पहले तेजपत्ता ऐड करेंगे, दालचीनी ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, खड़ा लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम अपना कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। हम अपने प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज हो गया ब्राउन। अब हम इसमें अपना मसाला का पेस्ट ऐड करेंगे। हमने जो लहसुन, मिर्ची और अदरक का और साबुत गरम मसाला का पेस्ट बनाया था, हम उसी को ऐड किए हैं और हम इसे अच्छे से भून लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम अपना कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप अपने स्वादानुसार नमक ऐड करिएगा। हरा मटर ऐड करेंगे इसमें। हम इसे अच्छे से पका लेंगे। राजेश मसाला ऐड करेंगे। ये मसाला हमारी सब्जी का टेस्ट बढ़ाता है। आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेवी बहुत ही अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। हम अपना कटा हुआ पनीर ऐड करेंगे और हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। दोस्तों, हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा मटर पनीर है बनकर तैयार। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, जो कि घर का शुद्ध घी है। आप चाहे तो अगर आपके पास घी नहीं है तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं। घी डालने से हमारे सब्जी का स्वाद बढ़ेगा। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, जो कि सब्जी को बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। अब हम अपने गैस को ऑफ करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा मटर पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब सब्जी बनी है। अगर आपको हमारी मटर पनीर की रेसिपी अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो पर न्यू हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।